अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक वेल्डिंग प्लांट है जो रिपेयर होने के लिए आया है। सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताया जाए। ये मोमेंट डेड हो जाता है और इसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट इसमें आता है उसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों, और ये आप ख़ुद भी रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मेरे हाथ में एक ब्रिज है, मेन रेक्टिफायर ये इसकी मेन पर लगा होता है। ये चार इसकी लेग हैं और इसका नंबर है 35VB100। ये अमूमन आप इसे अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। ये दोस्तों हमने इसका ये चेंज किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी जगह हमने नया लगा दिया है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका सिस्टम कार्ड है, ये इसका सप्लाई का हिस्सा है और साथ इसके 12 वोल्ट की रिले लगी हुई है। दोस्तों अब आपको इसके सप्लाई का जो मेन आईसी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। अगर ये भी ख़राब हो जाए तो आगे आपका सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि मेन सप्लाई ही इसी ने ही आगे देनी है। और इसका नंबर भी आपको हम बताएँगे, जो मेन सप्लाई का आपको ये देखें, इसका जो नंबर है LNK625PG। ये अगर ख़राब हो जाए तो सेट तब भी डेड हो जाता है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।